तो हेलो भाई लोग, तो भाई लोग अभी जो आपने प्रीवियस वीडियो देखा, ये वीडियो जोरो भाई का है। एंड भाई लोग अभी टाइम पे वेनम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, क्योंकि वेनम का न्यू मूवी आया है। और अभी टाइम पे अगर आप इस तरह का एडिटिंग करते हो तो आपका अच्छा खासा व्यूज भी आएगा एंड आपका वीडियो वायरल भी जाएगा। तो भाई लोग आज की इस वीडियो में आपको इस तरह का एडिटिंग सिखा दूंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर देख लेना। एंड यार मैं आप लोगों का कितने हेल्प करके देता हूँ, तो आप लोग ही मेरा हेल्प कर देना। बस आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। एंड भाई लोग जाते जाते जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मैं आप लोगों चैनल को चेकआउट कर सकूँ। और भाई लोग इस वीडियो में आपको 1K लाइक टारगेट और 500 कमेंट टारगेट देता हूँ। इसको आप जैसे ही कंप्लीट कर दोगे, अगली वीडियो में आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा, तो जरूर कंप्लीट कर देना। तो चलिए अब रिकॉर्डिंग की ओर। तो भाई लोग इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए सिंपली आपको सेक्सो भाई के इस वाले मैप में आ जाना है। एंड भाई लोग इसका मैप कोड मैं टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, सिंपली आप वहाँ से कलेक्ट कर लेना। एंड लेके भाई लोग आपको आपके फ्रेंड के साथ आ जाना है, ठीक है। आने बाद इस सेक्सो वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करके लोकेशन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन पर टेलीपोर्ट हो जाना है। और यहाँ पे आपको फ्रेंड को भी बोल देना कि भाई तू भी ग्रीन स्क्रीन पर टेलीपोर्ट हो जाए। एंड भाई यहाँ पे अगर आपका 4 फ्रेंड होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, बट मेरे पास 2 ही फ्रेंड है, तो इसको ले लेना। एंड लेके क्या करना है, फिर से सेक्सो वाले बटन पर क्लिक करना, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके ऑल गन्स के ऊपर क्लिक कर देना। एंड क्लिक करके वाले यहाँ पे आपको एक लॉन्चर परचेज कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं जिस तरह से लॉन्चर परचेज कर रहा हूँ ना, आप यहाँ पे एक लॉन्चर परचेज कर लेना, M790 इस गन का नाम, क्या नाम पता नहीं, ठीक है। इसको आप परचेज कर लेना। एंड परचेज करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आगे की तरफ आ जाना ग्रीन स्क्रीन में। आने बाद वाले यहाँ पे आप जो भी इमोट मारना चाहते हो आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप एक भी कोई मतलब कोई भी आप इमोट मार लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप इमोट मार देना। एंड मार के क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका जो लॉन्चर को इस तरह से आगे की तरफ आके इस तरह से वाले आपको यहाँ पे मूव कर देना है। एंड यहाँ पे सामने से किया बट यहाँ पे मैं मर गया, ठीक है। तो इसलिए दीवार से थोड़ा दूर आके आपको यहाँ पे इस तरह से लॉन्चर चला देना है। एंड चला के यहाँ पे बस आपको इतना रिकॉर्डिंग कर लेना है। एंड उसके बाद आपको फिर से इस तरह से मतलब इसी पोजीशन पे रहना। एंड यहाँ पे आप जो भी धमाकेदार इमोट मारना चाहते हो, जो मतलब आपको लगता है कि कुछ अलग मतलब कुछ अच्छा वाला इमोट, ठीक है, जिस तरह से आप देख सकते हो कुछ धमाकेदार इमोट में मार रहा हूँ ना, तो इस तरह से आप एक इमोट मार लेना। तो इस तरह से इमोट मारने के बाद आपका यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग खत्म होता है, इसके बाद आपका यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ रिकॉर्डिंग करना है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड को बोल देना है कि भाई तू मतलब जो जितना भी आपका फ्रेंड रहेगा उसको इस तरह से खड़ा कर देना है। एंड फिर से आपको फाइल वाले आइकन पे क्लिक कर दो। एंड क्लिक करके ऊपर सेटिंग वाले आइकन पे लोग आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करके आपको इनविजिबल के ऊपर एक बार क्लिक करना है। एंड फिर से विजिबल के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपके यहाँ पे जो मतलब कैरेक्टर गायब हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे अपना फ्रेंड को बोल देना है कि भाई तू मुख्य मार या कुछ इमोट वगैरह दिखा, मतलब कुछ एक्टिविटी कर, ठीक है। तो इस तरह से वो जब करेगा तो इस तरह से लोग आपको यहाँ पे कुछ देर तक दिखाना है, ठीक है। तो कुछ देर तक आपको यहाँ पे इस तरह से उसको दिखा लेना है। यहाँ पे भाई लोग एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका फ्रेंड मतलब जो एनिमी रहेगा ना उसको यहाँ पे आप इंजेक्शन परचेज कर लेना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके आइटम के ऊपर क्लिक कर देना, मतलब आपका फ्रेंड करेगा, और इसको बोल देना कि भाई तू यहाँ से इंजेक्शन खरीद ले, ठीक है। दो फ्रेंड को बोल देना है कि इंजेक्शन खरीद ले जितना भी आपका एनिमी रहने वाला है। तो इस तरह से इंजेक्शन अगर खरीदेगा तब ये नोक हो पाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको एक ग्रेनेड भी परचेज कर लेना है। एंड करके क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका जो एनिमी रहेगा ना उसके ऊपर आपको यहाँ पे छाड़ देना। यहाँ पे अगर आपका मतलब जो फ्रेंड रहता है वो फ्रेंड आता है मतलब टीममेट आता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे स्विच टीममेट स्विच कर लेना, जिससे यहाँ पे आपका एनिमी बन जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से आपको पोजीशन ले लेना। एंड लेके क्या करना है, आपको इसके ऊपर ग्रेनेड कर देना है, जिससे यहाँ पे जो नोक हो जाएगा। तो बस भाई लोग यहाँ पे आपको इतना रिकॉर्डिंग करना है। इतना रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको यहाँ पे इंतजार करना है आपका यहाँ पे फ्रेंड कब मरता है, ठीक है। आपके यहाँ पे जो एनिमी है वो जब तक नहीं मरता है आपको इस तरह से इनविजिबल होकर इंतजार करना है एंड रिकॉर्डिंग करना है। एंड अभी तक अगर आपको रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आए तो आप फिर से देख सकते हो, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सही से नहीं करोगे तो आप वीडियो नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लो। एंड भाई लोग बस आपको यहाँ पे इतना रिकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे जो फ्रेंड मर जाए, तो देखो यहाँ पे मेरा फ्रेंड मर चुका है। तो यहाँ पे भाई लोग आप बस आपको इतना रिकॉर्डिंग कर लेना है। एंड चलो आप एडिटिंग की ओर। तो एडिटिंग करने के लिए सिंपली आपको कैपकट में किसी भी वेनम को कनेक्ट करके आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको ए वाला एक मतलब फोटो रहेगा, इसको ऐड कर लेना, ठीक है। प्लेन सो ये भाई लोग मेरे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पे मैं दे दूंगा, सिंपली कलेक्ट कर लेना, ले लेना यार। इसके बगैर आप वीडियो नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इसको ले लेना। लेने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपने जिस तरह से यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैंने दिखा था ना, उस तरह से रिकॉर्डिंग कर लेना है। और करके यहाँ पे सिंपली आपका सबसे पहले कैरेक्टर को लेकर आ जाना है एंड आपके पीछे जो रहने वाला है एनिमी, सो इसको भी लेके आ जाना है। सो मैं फटाक से लेके आ जाता हूँ उसके ग्रीन स्किन। तो सिंपली भाई लोग यहाँ पे अपना ग्रीन स्किन को ऐड कर लेना। एंड ऐड करने के बाद आपको आ जाना है सिंपली इसका ट्रांसफॉर्म में। एंड आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है क्रॉप पे। एंड क्रॉप में आकर आपको इसको 1:1 में यहाँ पे इसको मतलब छोटा कर लेना है, बस आपको यहाँ पे एनिमी चाहिए, ठीक है। तो इतना काम आपको यहाँ पे कर लेना है। सो इसके बाद आपको यहाँ पे इसको टिक कर देना है। एंड टिक करने के बाद इसके बाद आपको इसका जो मतलब बैकग्राउंड हटाना है, सो इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है रिमूव बीच में। मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, एंड और नहीं दिखाऊंगा, सो आप कर लेना। एंड आगे आपको कॉर्नर की से आप ग्रीन सेलेक्ट कर लेना। एंड इस तरह से आप यहाँ पे अच्छे से इसका जो बैकग्राउंड को हटा देना। एंड सिंपली मेरे बैकग्राउंड हटाने के बाद इसको इस तरह से बड़ा कर लेना, ठीक है। देख सकते हो इसको बड़ा कर लेना। एंड बड़ा करके मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा से इसका बैकग्राउंड हटा लेता हूँ। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना, ऐसा लगना आपको यहाँ पे इजीली कर लेना है। देख सकते हो अभी कितना
बेस्ट लग रहा है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका जो फ्रेंड था ना उसको ऐड कर लेना है जो हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग करके दिखाया, तो इस तरह से आपका फ्रेंड के साथ रिकॉर्डिंग कर लेना एंड इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लेना। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको अपना जो मतलब आपका फ्रेंड से रिकॉर्डिंग करवाया था ना सिंपली वो वाला रिकॉर्डिंग को ऐड कर लेना एंड इसके ऊपर क्लिक करके भाई लोग इसका आप यहाँ पे क्रॉप पे आ जाना, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में आके इसको आप यहाँ पे सबसे पहले तो क्रॉप कर लेना 1:1 रेशियो में, तो सबसे पहले मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, तो आप इस तरह से कर लेना ओके। एंड भाई लोग अगर वीडियो लंबा होगा तो जरूर देखना क्योंकि यार एडिटिंग बहुत ज़्यादा ही मतलब हार्ड है, तो इसलिए आपको डिटेल में देखना पड़ेगा तो आप सीख नहीं पाओगे। तो इसके बाद इसको यहाँ पे टिक कर देना एंड टिक करके आपको इसका बैकग्राउंड हटा लेना है, सिंपली आ जाना रिमूव बीजी पे एंड आके कॉर्मा की सीज का यहाँ पे जो गिनीस की उनको हटा लेना इस तरह से। एंड मतलब आपको इतना काम कर लेना है एंड आपको ऊपर वाले लेयर को भी इस तरह से यहाँ पे कर लेना है, सो मैं बात में करके दिखाता हूँ। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है आपका जो मतलब फ्रेंड वाला लेयर है ना इसको आप यहाँ पे इस तरह से अपना जो मेन लेयर के पीछे आपको कर लेना है, सो उसके पहले उससे पहले इसको आप यहाँ पे साइड में कर दो एंड उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप यहाँ पे जो अपना मेन लेयर के पीछे कर लेना है। करने बाद देख सकते हो कुछ इस तरह का होगा एंड इसको आप इस तरह से छोटा कर लेना। इसके लिए आपको आ जाना इसके ऊपर क्लिक करके लेयर के ऊपर क्लिक कर दो एंड लेयर को क्लिक करके लोग इस तरह से आपको इस तरह से कर लेना जिससे इसका पीछे आ जाएगा। एंड देख सकते हो इसका पीछे आ गया एंड आने बाद क्या करना है आपको यहाँ पे इसको इस तरह से छोटा करके इस तरह से यहाँ पे रख देना है, सो इतना काम आपको यहाँ पे इजीली कर लेना। अभी देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका वीडियो बनेगा एंड लोग देखो जैसे ही मतलब ये हमारा मतलब इस तरह से मैंने इसको मार देता हूँ एंड आपको यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे स्प्रिट लगा देना है। स्प्रिट लगा के आपको यहाँ पे इतना पार्ट डिलीट करना है एंड डिलीट करके आपको जो जहाँ मतलब जिस लेयर में आपके यहाँ पे कैरेक्टर नोक हो रहा है सिंपली उस वाले लेयर को आप यहाँ पे इजीली लेके आ जाना है। देख सकते हो इसको भी लोग सेम इसको भी क्रॉप पे जाके 1:1 इसका क्रॉप कर लो एंड इसका आप यहाँ पे बैकग्राउंड हटा लो एंड सिंपली भाई लोग देख सकते हो इसको मैंने इसका बैकग्राउंड हटा लिया। हटाने के बाद क्या करना है जैसे ही मतलब मैंने यहाँ पे इसको मारा अभी देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका होगा एंड क्या करना है फिर से आपको उसी लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करके आपको फिर से आ जाना है इसका लेयर पे, ठीक है। लेयर पे आके इसको फिर से आपको यहाँ पे लेयर 1 कर देना यानी आपका कैरेक्टर का पीछे कर देना है मतलब कैरेक्टर के पीछे कर लेना, ठीक है। करने बाद देखो कुछ इस तरह का आपका होगा एंड उसके बाद क्या करना है आपको अपने लेयर के ऊपर क्लिक करके जैसे आपका यहाँ पे कैरेक्टर नोक होता है, देखो जैसे मेरे यहाँ पे नोक हो चुका है ना आपको क्या करना है उसी वाले लेयर को लेके आ जाना है एंड लेके आकर आपको ऊपर के लेयर को ड्रैग करके थोड़ा छोटा कर देना एंड जैसे मेरा यहाँ पे जो मैंने मतलब लॉन्चर स्टार्ट करता हूँ आपको उसी वक्त आपको यहाँ पे जो कैरेक्टर को नोक कर देना है एंड इसको छोटा करके भाई लोग आपको उसी पोजीशन पे रख देना है जिस पोजीशन में आपका यहाँ पे कैरेक्टर था। तो अभी देख सकते हो अभी कुछ इस तरह का आपका हो जाएगा एंड जैसे भाई लोग यहाँ पे मतलब मैंने जैसे ही मारा, ठीक है, लॉन्चर आपको उसी वक्त करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको अपना नीचे वाले लेयर के ऊपर क्लिक करके नॉर्मल में आके इसको आप यहाँ पे थोड़ा स्पीड कर देना एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है अच्छे से कर लेना है एंड जैसे मैंने यहाँ पे इसको लॉन्चर चलाया एंड देख सकते हो जैसे मैंने लॉन्चर चलाया एंड ये लोग दोनों नोक हो चुका है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे नोक हो जाता है आपको क्या करना है उस वाले लेयर के ऊपर क्लिक कर देना एंड इसको ऐसे रहने देना एंड जहाँ पे फिर से मतलब लो रिमोट मार रहा था तो उस वाले क्लिप को यहाँ पे आप ऐड कर लेना एंड उसके बाद वालों आपका यहाँ पे जो कैरेक्टर जब लोल मार रहा था तो उस वाले क्लिप को ऐड कर लेना, ठीक है। एंड ऐड करके क्या करना है इसको छोटा करके थोड़ा आगे रखना एंड आगे रख के आपको जो अपना उस कैरेक्टर के साथ इसको अच्छे से मच कर देना, मतलब यहाँ पे अच्छे से इसको आप एडजस्ट कर लेना। सो अगर चाहो तो आप बेसिक से भी आके अच्छे से कर सकते हो, बट मेरा यहाँ पे ही हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर लेना तो अभी देख सकते हो अभी कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे हो जाएगा एंड उसके बाद क्या करना है इसको यहाँ पे रख देना एंड रखने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे जो लोल मारने लगे है एंड लोल जैसे मेरे यहाँ पे खत्म होता है आपको क्या करना है आपको यहाँ पे दूसरा वाला इमोट लगा लेना है। तो चलो आपको यहाँ पे अपना इमोट मारने वाला जो मतलब क्लिप को ऐड कर लेना, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हटा के इसको आप यहाँ पे ऐड कर लेना एंड ऐड करके आपको क्या करना है इसके साथ इसको भी आप यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना। सो इसको लेना एंड लेके अगर आपका उंगली से नहीं होता है सो आप यहाँ पे बेसिक पे जाके अच्छे से एडजस्ट कर लेना। सो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सो इस तरह से कर लेना एंड करके क्या करना है इसको इस तरफ रख देना, ठीक है। इसको इस तरफ इस तरह से रख देना है एंड रखने के बाद अभी देख सकते हो अभी कुछ आपका इस तरह का हो जाएगा जो मस्त है एंड क्या करना है वाला ऊपर वाले लेयर के ऊपर क्लिक करके एंड आपको उसी पोजीशन पर रहना है जहाँ पे आपका जो कैरेक्टर नोक था एंड इसी पोजीशन में रहना कि आपको यहाँ पे फ्रीज कर लेना है आपका लेयर जिससे यहाँ पे आपका एक स्क्रीन शॉट बन जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना है जैसे आपके यहाँ पे जो इमोट के ऊपर क्लिक करना है मतलब इमोट जो मार रहे थे अपने लेयर के ऊपर एंड इसके ऊपर क्लिक करके आपको स्पीड पे आके आपके यहाँ पे सिंपली इसको आप यहाँ पे 2x या 1.5 या 4x कर लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको कर लेना एंड करने बाद अभी देख सकते हो अभी कुछ इस तरह का हो जाएगा एंड लोग जैसे मेरे यहाँ पे जो मैंने हाथ मारता हूँ, ठीक है, जैसे मतलब मेरा इस तरह से हाथ मार देता हूँ आपको क्या करना है वहाँ तक अपना क्लिप को रखना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो मतलब जो एनिमी मर गया था ना उस वाले क्लिप को ऐड कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पे आपका जो मतलब जैसे आपका फ्रेंड मर जाता है उस वाले क्लिप को ऐड कर लेना, देख सकते हो। तो इसको जैसे ऐड करो कुछ इस तरह का हो जाएगा एंड आपको क्या करना है आपको यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। सो अभी यहाँ पे हम दिखा देता हूँ जैसे मैंने हाथ पीटा और यहाँ पे मेरा जो ये मर चुका है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लोग इस तरह से एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे भाई लोग सिंपली आपको इस तरह से इसको ऐड कर लेना एंड ऐड करने बाद देखो जैसे मेरे यहाँ पे हाथ लगता है एंड क्या करना है आपका उसी वक्त जो इसका आपका एनिमी को मार देना है इसको थोड़ा आगे की तरफ रख लेना, ठीक है, जिससे अच्छे से दिखे। तो इसको मैं थोड़ा और पीछे रख लूँगा और इस तरह से लोग यहाँ पे आपको कर लेना थोड़ा आगे की तरफ रख लेना। तो देखो अभी मैं जैसे यहाँ पे मेरा हाथ मारता हूँ एंड ये लोग यहाँ पे इस तरह से मर जाते हैं। तो इस तरह से लोग आपको यहाँ पे कर लेना है। तो अभी देख सकते हो भाई लोग कितना गजब का लग रहा है। देखो जैसे मेरे यहाँ पे मैंने हाथ मारा और यहाँ पे जो है मर चुका है। तो आपको बस इतना यहाँ पे रखना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक ब्लस्ट वाला सीन ऐड करना है, ठीक है। तो वो मैं भाई लोग आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप सिंपली ऐड कर लेना। तो देखो भाई लोग सिंपली आपको इसको ऐड करना है एंड इसको ऐड करके इसका आप यहाँ पे बैकग्राउंड को हटा लेना।
एंड इसका बैकग्राउंड हटाने के बाद यहाँ पे फिर भी इसमें ग्रीन डार्क रहेगा, ठीक है, मतलब इसका ग्रीन ये रहेगा। तो आपको इसको फिक्स करने के लिए आपको आ जाना है इसका एडजस्ट पे, एंड एडजस्ट पे आके इसका सेचुरेशन पे आ जाना है। देखो एडजस्ट पे आओ एंड यहाँ पे आ जाओ इसका एच एस एल में, ठीक है, एच एस एल में आके इसका यहाँ पे जो ग्रीन स्किन है ना, मतलब ग्रीन कलर, इसको पूरा आप यहाँ पे माइनस कर दो सेचुरेशन, जिससे इसका यहाँ पे पूरा माइनस हट जाएगा। एंड इसको आप यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप भी इस तरह से कर लेना। तो यहाँ पे मतलब सिंपल इसका बैकग्राउंड का आप हटा लेना इस तरह से। एंड हटाने के बाद क्या करना है आपको, इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप यहाँ पे लेयर वन मतलब सबसे पीछे कर लेना, ठीक है, मतलब आपको सिंपल लेयर में आना है एंड लेयर में आके इसको यहाँ पे जो कर लेना है इस तरह से, ठीक है, लेयर थ्री टू कर लेना, जिससे आपका यहाँ पे एनिमी का पीछे आ जाएगा। एंड आने के बाद क्या करना है आपको, इस ब्लश वाले इसको अपना एनिमी के ऊपर इस तरह से लगा देना है बड़ा करके। अभी देखो अभी जैसे यहाँ पे आपको अच्छे से पोजिशन दे देना है, जैसे यहाँ पे हुआ एंड यहाँ पे आग लग गया एंड ये लोग नॉक हो चुका है, तो इतना काम आपको यहाँ पे कर लेना है इस तरह से। एंड इसका बाकी का एक ए कर देना, तो मतलब यहाँ पे बस आपको इतना काम कर लेना है। तो जैसे ही फैलो यहाँ पे मेरा जो मतलब ये ब्लास्ट हो जाता है, होने के बाद क्या करना है आपको अपना ऊपर वाले लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे स्प्लिट करके इसका पीछे पार्ट को डिलीट करना है। एंड आपका जो मतलब जिस लेयर पे लोल इमोट मार रहा था आपका कैरेक्टर, सिंपली उस वाले लेयर को लेना है। एंड जैसे यहाँ पे आपका लोल भी खत्म होता है आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे स्प्लिट मारना थोड़े आगे आके, एंड आगे आके स्प्लिट मार के आपका उस वाले लेयर को लेना है जिस पर आप इमोट मार रहे थे, इसको ले लेना। देखो अभी कुछ इस तरह का आपका हो जाएगा। एंड होने के बाद फैलो देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैंने हाथ मारा एंड आपका उसी वक्त जो कैरेक्टर आपका मरने वाला है, तो क्या करना है आपको वहाँ पे भी इस तरह से स्प्लिट करके थोड़ा आगे की तरफ रख लेना है। एंड ऊपर वाले लेयर को भी ड्रैग करके छोटा कर लेना एंड छोटा करके आपको उस वाले लेयर को यहाँ पे ऐड कर लेना। सब कुछ इतना काम यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में कर लेना है, ठीक है। एंड करने बाद देखो जैसे मेरे यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ एंड यहाँ पे आपको कुछ मतलब इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब जो किल इफेक्ट, ठीक है, इसको देने के लिए क्या करना है आपको आ जाना है टैक्स पे एंड आके वाले यहाँ पे आपको डैमेज दे देना है। तो यहाँ पे आपको डैमेज देना आता होगा 500-600 लिख देना, जितने भी आप देना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली 560 दे दिया हूँ। एंड देने के बाद क्या करना है आपको स्टाइल पे आ जाना है एंड आके वाले आपको यहाँ पे येलो वाला सेलेक्ट कर लेना एंड इसको टिक कर देना। एंड टिक करके इसको छोटा करके आपको यहाँ पे वो मतलब दे देना है बहुत सारा, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, आपका दो ही एनिमी है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा एनिमी रखोगे तो आप ज़्यादा देना, तो मैं यहाँ पे जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको ड्रैग करके वाले आपको इस तरफ रख देना। एंड रखने के बाद आपका कुछ इस तरह का होगा एंड फिर से ऊपर में क्लिक करो एंड अपना जो इसके ऊपर क्लिक करो एंड क्लिक करके फिर से आपको स्टाइल पे आके एंड वाले आपको यहाँ पे आ जाना है एनिमेशन पे। एंड आगे वालों आपको यहाँ पे फेड इन वाला एनिमेशन दे देना है, ठीक है, फेड इन वाला एनिमेशन सारा इसमें दे देना एंड देके टिक कर देना। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है आपको फिर से अपना लेयर के ऊपर क्लिक करो एंड जैसे यहाँ पे आपका जो मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ आपको क्या करना है उस एटो वाले में आके यहाँ पे आपको एक जो नोक वाला जो PNG होगा इसको आप यहाँ पे ऐड कर लेना। सो भी पैक के अंदर आपको मैं दे दूंगा। मतलब यहाँ पे सिंपली आपको जो नोक होने वाला एनिमेशन है सिंपली इसको ऐड कर लेना। सो ऐड करके उसको ऊपर में इस तरह से छोटा करके आगे की तरफ रख देना, ठीक है, एंड रख के पहले उसके बाद इसका भी आपको लेयर में आके आपको अपना कैरेक्टर का पीछे इसको भी कर लेना है। तो इसको पहले यहाँ पे आप कर लेना एंड करने बाद इसके बाद आ जाना है इसका एनिमेशन पे, ठीक है। आपको यहाँ पे एनिमेशन पे आके एनिमेशन पहले आके आपको यहाँ पे फेड इन वाला एनिमेशन दे देना एंड यहाँ पे इसको जो इसका सेकंड लेंथ है इसको आप यहाँ पे 0.3 सेकंड कर देना एंड इसको टिक कर देना। एंड टिक करने बाद आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का हो जाएगा एंड इसके बाद पहले इसको आप यहाँ पे हटा देना, ठीक है। तो हटा के आपका यहाँ पे वीडियो बन जाएगा इस तरह का। एंड इसको देखो यहाँ पे मतलब जैसे हमारा यहाँ पे जो इस तरह से मैंने इसको मारा, ठीक है, यहाँ पे पहले यहाँ पे जो तोड़ने वाला इफेक्ट लगाना पड़ेगा। सो इसका मैं क्लिप में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल पर दे दूंगा, आप सिंपली इसको ऐड कर लेना। सो मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले इतना रीडिंग कर लेना, ठीक है। इतना रीडिंग करने बाद अभी हमें यहाँ पे जो मतलब जो प्लेन को फोड़ना है। सो उससे पहले इसको और भी अच्छा रियलिस्टिक थोड़ा दिखाने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो यहाँ पे जो मतलब जो फ्रेंड वाला ग्रीन स्किन क्लिप लगाया था ना, जो जो कैरेक्टर आपका मतलब कैरेक्टर पीछे है उसको क्या करना है यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे मतलब 3-4 दिखा देना, ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा आदमी है। तो डुप्लीकेट सिंपली कर लेना एंड करके क्या करना है अपने लेयर के ऊपर क्लिक कर लेना एंड करके वाले इसको इस तरह से साइड कर देना। साइड करने से यहाँ पे 2-3 बन रहा है, तो इस तरह से वाले इसको आप 4-5 बना लेना, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या करना है आपको फिर से आ जाना है लेयर पे एंड लेयर पे आके अपना जो मतलब फर्स्ट कैरेक्टर है इसको इसके ऊपर क्लिक करके इसको आगे कर देना, जिससे पीछे भाग जाए। अभी देख सकते हो कि तब मत लग रहा है मतलब ज़्यादा लोग। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लगा देना एंड लगा के फिर से यहाँ पे जो मतलब जो नोक हुआ था यहाँ पे भी क्या करना है इस लेयर के ऊपर क्लिक करो और उसको भी यहाँ पे आप डुप्लीकेट कर लो। एंड फिर डुप्लीकेट करके इसको भी यहाँ पे लाके इसके साथ अच्छे से एडजस्ट कर लो। एंड करने के बाद क्या करना है यहाँ पे भी इसको अच्छे से इसके ऊपर फिर क्लिक करो एंड क्लिक करके फिर से आपको बेसिक पे आके सॉरी लेयर पे आके इसको फिर से यहाँ पे जो अपना कैरेक्टर को आगे कर लेना है एंड इसको पीछे कर लेना। एंड करके क्या करना है भाई लोग इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना। करके भाई लोग क्या करना है फिर से इसको यहाँ पे मैंने उसमें इसे दिखाया था ना, इसको इस तरह से साइड में कर देना, थोड़ा साइड में कर देना, ठीक है। एंड करके क्या करना है आपको आग वाले लेयर के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है एंड क्लिक करके फिर से आपको आ जाना है बेसिक मतलब लेयर पे एंड लेयर पे आके इसको ये क्या करना है इसके आगे कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते भाई लोग अब यहाँ पे ज़्यादा लोक हो चुका है, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इजिली कर लेना। तो इतना काम आप यहाँ पे इजिली कर लेना। तो भाई लोग उसके बाद यहाँ पे जो हमें प्लेन को फोड़ना है, ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लिप दे दूंगा प्लेन फोड़ने वाला। सो इसको आप यूज कर लेना, आपको मतलब बहुत वीडियो लंबा रहा है सो मैं बनाना नहीं दिखाऊंगा, सो मैं आपको दे दूंगा, आप सिंपल यहाँ पे ऐड कर लेना।
तो देखो भाई उसको कहाँ पे लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से हाथ पीटा, ठीक है, जैसे मेरा मतलब हाथ में इस तरह से मैं हाथ मारता हूँ तो क्या करना है, यहाँ पे इस ऊपर वाले लेयर ऊपर क्लिक करके स्प्लिट कर देना ऊपर वाले लेयर पे, ठीक है, स्प्लिट करके यहाँ पे आ जाना रिप्लेस पे, यहाँ पे आपको अगर तो मिल जाएगा रिप्लेस, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा वो वाला वीडियो, सिंपली आप इसको ऐड कर लेना। एंड उसके बाद सिंपली आपको ए वाला यहाँ पे प्लेन टूटने वाला क्लिप को ऐड कर लेना, वो मेरे पैक के अंदर दे दूंगा, आप ऐड कर लेना। एंड ऐड करने के बाद क्या करना है, ए मतलब थोड़ा आगे पीछे, ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे आपको थोड़ा स्प्लिट कर देना। एंड मतलब इसमें जब मैं दूंगा ना आप यहाँ पे डायरेक्टली अच्छे से यूज कर लेना, बट मैं पहले थोड़ा सा मतलब गड़बड़ कर दिया तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो आप एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको छोटा करके यहाँ पे सेंटर में मैंने सेंटर ही बना दिया है गोल एक, तो उसमें आप अपना कैरेक्टर को रख देना। एंड रखने के साथ क्या करना है आपको फिर से अपने जो फ्रेंड वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना, जो एनिमी है इसको मतलब क्या करना है अच्छे से एडजस्ट कर देना, ठीक है, नीचे वाले को भी मतलब अच्छे से एडजस्ट कर देना। सो बस आप यहाँ पे इतना काम कर लेना है। सो इतना हम करने बाद देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे इसको हाथ पीटा एंड यहाँ पे जो ये टूट गया, तो ऊपर वाले इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड क्या करना है नॉर्मल में आके इसको आप यहाँ पे 1.4x कर लेना, ठीक है, जिससे देख सकते हो अभी इसके साथ ही होगा। देखो जैसे ही मैंने मारा एंड जैसे यहाँ पे टूट गया, एंड क्या करना है जैसे यहाँ पे मतलब पूरा यहाँ पे फट जाता है, एंड आपको क्या करना है उसी वक्त आपका जो मतलब मरने वाला जो क्लिप है ना उसको ऐड कर लेना, बल्कि क्या करना है इसको ऐड कर लेना। एंड ऐड करके आपको हिलाना मत, ठीक है, जिस पोजीशन पे है ना उसी पोजीशन में रहने देना। एंड इसको अच्छे से यहाँ पे एक बार देख लेना कि मतलब गड़बड़ तो नहीं हो रहा है तो कर लेना। एंड नीचे वाले को डिलीट कर देना, ठीक है, नीचे वाले को डिलीट करके फिर से ऊपर वाले लेयर के ऊपर क्लिक करो। एंड क्लिक करके इसको यहाँ पे यहाँ पे फिर से कॉपी कर लो, मतलब डुप्लीकेट करो। एंड डुप्लीकेट करके फिर से वाले इसको आप यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लो और नीचे करके इसको अच्छे से एडजस्ट कर दो। एंड नीचे करके आपको इसके साथ अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, मतलब साइड में रख देना है, ठीक है। देखो इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है, अभी देख सकते हो इतना बढ़िया होगा। तो अभी आप मैं प्ले करके भी दिखाता हूँ, देखो जैसे यहाँ टूटा एंड ये लोग यहाँ पे मर गया। एंड उसके बाद क्या करना है आपका यहाँ पे कैरेक्टर जो मेरा भाग रहा है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हो कुछ आपका इस तरह का हो जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे इतना काम कर लेना। एंड इतना काम करने बाद अभी यहाँ पे आपको एक किल वाला इफेक्ट लगा देना है, जो मतलब गेम में मरने से किल वाला इफेक्ट आता है ना, सो उसको लगा देना है। सो मैं पैक के अंदर दे दूंगा, आप सिंपली ऐड कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको ए वाला यहाँ पे पीएनजी ऐड कर लेना है, सो मैं पैक के अंदर दे दूंगा किल वाला, ठीक है। तो इसको इस तरह से छोटा कर लो। एंड छोटा करके क्या करना है यहाँ पे इसको अच्छे से ऊपर में एडजस्ट कर लो, ठीक है, इस पर इसके ऊपर अच्छे से छोटा करके एडजस्ट कर लेना। एंड एडजस्ट करके आपको एनिमेशन पे आ जाना है, एनिमेशन में आके पहले आपको यहाँ पे फेडिन वाला एनिमेशन दे देना। एंड इसका आप यहाँ पे मतलब जो सेकंड लेंथ है इसको 0.3x कर लेना, यहाँ पे कर लेना। एंड करने बाद देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे वीडियो बन जाएगा जो बहुत ही गजब का है। इतना काम पहले यहाँ पे इजीली कर लेना। एंड करने बाद क्या करना है आपका यहाँ पे जो कैरेक्टर वाले लेयर के ऊपर क्लिक कर दो। एंड क्लिक करके आपका जो लेयर पे, ठीक है, आके पहले इसको आप यहाँ पे लेयर 1 कर लेना, ठीक है, जिससे यहाँ पे सबका आगे आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका और कोई काम नहीं बचता, बस यहाँ पे आपका और कोई काम नहीं बचता है, सिंपल क्या करना है यहाँ पे स्प्लिट मारो। एंड यहाँ पे जो इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है ना उसका आप यहाँ पे डिलीट कर देना, ठीक है। तो डिलीट करने बाद जैसे ही मतलब यहाँ पे आपका जो मतलब एनिमी मरता है तो क्या करने वाले आपको ये वाला सीन रखना है। देखो जैसे मेरे यहाँ पे मर रहा है ना, एक स्क्रीनशॉट कर लेना, इस तरह से एक स्क्रीनशॉट कर लेना, कोई इतना एडिटिंग कर लेना है। सो यहाँ पे एक बार आप देख लो मैं जिस तरह से किया हो ना, सिंपली आप भी उस तरह से कर लेना। एंड करने बाद यहाँ पे आपका और कोई एडिटिंग नहीं रहता है, सिंपली क्या करना है इसको यहाँ पे छोटा कर लेना। एंड छोटा करके बस यहाँ पे आपका इतना काम बचता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे सारा क्वालिटी वगैरह इंक्रीज करके आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लो। सो एक्सपोर्ट होने बाद मैं आपको बाकी एडिटिंग दिखाता हूँ। तो सिंपली बैक अगर आपको यहाँ पे आपके फोन में जो पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे चले जाना है। एंड जाके वालों आपको वेनम वाला ए वाला एक पिक्चर ले लेना, ठीक है, पैक के अंदर मैं दे दूंगा, सिंपली ऐड कर लेना। एंड इसको क्या करना है इसको इस तरह से यहाँ पे ले लेना। एंड लेके इसको इस तरह से बड़ा कर लेना। एंड बड़ा करके इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मतलब सेंटर में कर लेना, ओके, हटा के फिर से आपको फ्रॉम गैलरी पे चले जाना। एंड जाके यहाँ पे जो हमने स्क्रीनशॉट किया था ना उस वाले क्लिप को ले लेना। एंड लेके क्या करना है इसको अच्छे से पे इसका जो मतलब बैकग्राउंड को हटा देना। एंड बस हमें पिक्चर ही चाहिए छोटा सा, तो इसको इस तरह से ऐड कर लेना अच्छे से, मतलब यहाँ पे आप कर लेना, ओके। तो इस तरह से करके आपको क्या करना है यहाँ पे आप टिक कर देना। एंड टिक करके इसको आप यहाँ पे इस तरह से छोटा करके आपको यहाँ पे इसको लगाना है। एंड उसके बाद क्या करना है फिर से आपको फ्रॉम गैलरी पे जाना। एंड जाने बाद मैं यहाँ पे आपको वांटेड वाला जो एक ग्रीन मतलब पीएनजी दे दूंगा, ठीक है, उसको आप ऐड कर लेना। इसको इस तरह से रहने देना। एंड रहने देकर क्या करना है आपको नीचे वाले को मतलब नीचे का दो लेयर को आपको यहाँ पे लॉक कर देना है। एंड लॉक करके आपको इसको इसका आगे कर लेना। एंड इसके ऊपर फिर से क्लिक करो। एंड क्लिक करके इसको इस तरह से बड़ा करके मतलब इसको आप इसमें अच्छे से एडजस्ट कर दो, मतलब थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है। एंड बड़ा करके इसको इस तरह से यहाँ पर रख देना। एंड रख के क्या करना है मतलब उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करके इसको पीछे कर लो, जिससे इसका पीछे आ जाएगा, देख सकते हो कितना गजब का। एंड इसके पीछे आने के बाद आप क्या आना है फिर से इसके ऊपर क्लिक करो। एंड यहाँ पे आपको मतलब इसके नीचे यहाँ पे क्या ऑप्शन है बताना, इसके ऊपर क्लिक कर दो। एंड यहाँ पे इसको दो मतलब दो ऑब्जेक्ट को क्लिक करके इसको आप यहाँ पे मर्ज कर दो, जिससे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, देख सकते हो। एंड इसको क्या आना है इसको छोटा करके यहाँ पे आप इस तरह से लगा देना,
जिससे यहाँ पे आपका एक पोस्टर बन जाएगा। उससे पहले यहाँ पे आप इसका नाम लिख लेना, यानी आपका जो भी आप यहाँ पे नाम देना चाहते हो, आपका कैरेक्टर का या अपने चैनल का नाम भी दे सकते हो, तो यहाँ पे आप दे देना। तो अब यहाँ पे जिसके साथ ही वर्सेस कर रहे हो उसको आप इसका नाम यहाँ पे दे देना। एंड देने के बाद क्या करना है, आप इसका कलर को यहाँ पे ब्लैक कर देना। एंड ब्लैक करके फिर से आपको आ जाना है इसका फोन पे। एंड फोन पे आके यहाँ पे मैं एक फोन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सिंपली आपको उस वाले फोन को यहाँ पे आप ऐड कर लेना है। फोन को ऐड करने के बाद देख सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। एंड लगा के मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ। एंड फिर से इसके ऊपर क्लिक करो, मच के ऊपर क्लिक करो। एंड इसको आप यहाँ पे इस तरह से और सारा ऑब्जेक्ट को मच कर लो, तो आप इस तरह से छोटा कर लो। एंड छोटा करके क्या करना है, यहाँ पे इसको अच्छे से ऐड कर देना। देख सकते हो अभी कितना गजब का बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा पोस्टर ही बनाना मैं आपको सिखा दिया, तो इस तरह से बना भी लेना अगर नहीं आता है। फिर से इसके ऊपर क्लिक कर लो। एंड क्लिक करके एडजस्ट पे आओ। एंड इसका आप यहाँ पे जो थोड़ा मतलब एडजस्टिंग कर दो, ठीक है, मतलब थोड़ा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन इंक्रीज कर, तो यहाँ पे ही मिल जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आपका इस तरह का हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना। एंड क्लिक करके आपको इसको यहाँ पे सेव कर लेना है, मतलब हाई क्वालिटी में इसको सेव कर लेना है। तो उसके बाद आपको फिर से पिक्सेल ऐप में आ जाने, आने के बाद मतलब यहाँ पे मैं आपको एक इस तरह का मतलब पीएनजी मतलब फोटो दे दूंगा। सिंपली आप यहाँ पे इसको इस तरह से ऐड कर लेना, ठीक है। एंड ऐड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको मतलब पोस्टर बनाना सिखाया था ना, तो इसको सिंपल यहाँ पे आप ले लेना। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको ले लेना। एंड लेके पोस्टर ले लेना। एंड लेके क्या करना है, आपको अपना जो आप मतलब बनाओगे ना एडिटिंग, इसके साथ इस तरह से मतलब पोस्टर बना लेना। एंड बना के इसको आप यहाँ पे अच्छे से ऐड दे के इसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना। मतलब मैंने उसमें दिखाया यहाँ पे वेनम था, बट इसमें वेनम को मैंने इरेस्ट कर दिया। एंड करने के बाद मैं यहाँ पे बस इस तरह का मतलब आपको फोटो बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बना लेना। एंड बना के इसको यहाँ पे सेव कर लेना। तो इतना काम यहाँ पे आप कर लेना। तो चलिए आप कैपकट के अंदर इतना काम करने बाद भालू फिर से आपको यहाँ पे जो कैपकट में आ जाना है। एंड आके आपको फिर से आपको कैपकट में आना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे जो हमने वेनम वाला जो फोटो बनाया था ना, सबसे पहले इसको ऐड कर लेना। तो इसको ऐड करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको एक की ऐड कर देना अपना मतलब फोटो के शुरू में। एंड शुरू में ऐड करके इसको इस तरह से जूम कर लेना, ठीक है। मतलब अपना जो वेनम है ना, मतलब आपका जो पोस्टर है उस पर इस तरह से जूम कर लेना, पूरा मतलब अपने पोस्टर पे जूम कर लेना। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी खराब होगा, बट आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा आगे आना, मतलब एक दो सेकंड आगे आना है। एंड फिर से आपको इसको जूम आउट इस तरह से कर लेना है। एंड करके आपको यहाँ पे इसको पूरा नीचे मतलब पूरा दिखा देना है। एंड यहाँ पे भाई लोग इसको अच्छे से जूम आउट कर लेना इस तरह से, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे जूम आउट कर लेने से देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले की फ्रेम में आना है। यहाँ पे आपको ग्राफ पे आ जाना है, ठीक है। मेरे लोग ग्राफ में आना है। यहाँ पे आपको ए वाला जो क्विट इन वाला जो ये है ना, इसको दे देना है। एंड क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मतलब इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे एक बीट ऐड कर देना। एंड बीट ऐड करके इसको थोड़ा इस तरह से मतलब आगे की तरफ थोड़ा कर देना। देख सकते हो कुछ इस तरह का होगा, यानी इस तरह का वायरल हो जाएगा। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का मतलब स्लो मोशन से आएगा, जो बहुत ही गजब का लग रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे करना। एंड करने बाद लोग जिससे यहाँ पे मेरा वेनम के पास आता है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ड्रैग कर देना है। एंड ड्रैग करके फिर से अपना मतलब ग्लेनिमा आना है। यहाँ पे पहले आपको ए वाला जो फोटो है ना, इसको ऐड कर लेना, जो हमने यहाँ पे बनाया था, बस मतलब वेनम बिना वेनम वाला का, ठीक है, विदाउट वेनम का। तो इसको ऐड करना। एंड इसको फिर अपने यहाँ पे फ्रेम में पूरा अकॉर्डिंग अच्छे से बड़ा कर लेना। एंड करने वाले लोग यहाँ पे मैं आपको एक ग्रीन स्किन दे दूंगा वेनम का। तो सिंपली आप इसको आप ऐड कर लेना। एंड यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, ठीक है, हालत ख़राब हो गया मेरे वीडियो बनाने में। तो यार जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लेना, जिससे यार मुझे ही मोटिवेट मिले। तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड लोग इसको ऐड कर लेना। एंड ऐड करने बाद इसके बाद क्या करना है, आपको इसके यहाँ पे ग्रीन स्किन सेलेक्ट करके इसका यहाँ पे ग्रीन स्किन को हटा देना, ठीक है, जिससे यहाँ पे बन जाएगा। एंड उसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरह टिक कर लेना। एंड उसके बाद क्या आने वाला, इसको इस तरह से बड़ा कर लेना, ठीक है। बड़ा करके आपको यहाँ पे इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना। एंड वाला इसका जो वेनम वाला ग्रीन स्किन बनाना है, यार मेरा हालत खराब हुआ है। तो जरूर यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड इसका थोड़ा आगे आना, ठीक है। थोड़ा आगे क्या आना है, आपका जो यहाँ पे जो ए वाला वेनम है ना, इसके साथ इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना। क्या करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मेरे यहाँ पे एक खड़ा होकर इस तरह से इसमें मतलब लाइटिंग आया, उसी पोजिशन पर रहना। आपको फिर से टेक्स्ट पे आ जाना है। एड टेक्स्ट पे आके आपको यहाँ पे भाई लोग लिख देना आप मतलब जो भी लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं वेनम वर्सेस YFRD लिख देता हूँ। सो पहले आप जो भी अपना चैनल का नाम देना चाहते हो, अपना कैरेक्टर का नाम रखना चाहते हो, तो सिंपल यहाँ पे आप रख लेना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फोन पे आके यहाँ पे मैंने फोन दे दिया है, वर्कआउट वाला फोन देना है। एंड इसको आप यहाँ पे टिक करना है। एंड फिर से आपको आना है यहाँ पे इस पे, ठीक है, इफेक्ट पे। आने के बाद यहाँ पे आप बहुत सारा इफेक्ट मिल जाएगा, आपको जो भी इफेक्ट अच्छा लगे सिंपली आप यहाँ पे दे देना। चलो हेलो, मैं यहाँ पे ए रेड वाला इफेक्ट दे देता हूँ। एंड देने के बाद क्या करना है, आपको फिर से आ जाना है एनिमेशन पे। एंड आने बाद मतलब यहाँ पे आपको वाइफ इन वाला एनिमेशन सिंपली दे देना। एंड देने बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड बस आपको यहाँ पे इतना काम कर लेना है। सो इतना काम करने बाद आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। एंड उसके बाद आपको आ जाना है इफेक्ट पे। एंड वीडियो इफेक्ट पे आपको आकर एंड उसके बाद मतलब आपको सिंपली इफेक्ट पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे दो तीन इफेक्ट देना है जो आपको इजीली मिल जाएगा। सिंपल सबसे पहले तो आपको सेक इफेक्ट देना है। एंड एडजस्ट पे आके इसका इंटेंसिटी को रख देना 10। एंड यहाँ पे इसको स्पीड को भी रख देना 8, ठीक है। एंड फिर से ऑब्जेक्ट पे आना। एंड यहाँ पे इसको ऑल ऑब्जेक्ट कर देना। एंड करने बाद देख सकते हो कुछ आपका यहाँ पे इस तरह का हो जाएगा। एंड मतलब जो इफेक्ट पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे
एंड ब्लॉक से एक इफेक्ट दे देना, इसके साथ आपको यहाँ पे जो एस्ट्रल वाला भी इफेक्ट दे देना एंड इसका आप यहाँ पे टिक कर देना एंड टिक कर इसका एडजस्ट करके आप इसको यहाँ पे कमा देना एंड साथ ही में यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फ्लैश वाला भी इफेक्ट देना है, देखे ऑब्जेक्ट में इसको ऑल कर देना है एंड ऑल करने के बाद यहाँ पे आपका और कुछ नहीं बनता। सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्लिप भी बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बना लेना एंड बनाने के बाद क्या करना है, इसको सिंपल यहाँ पे इसका सारा रेसिपी वगैरह फुल कर लो एंड फुल करके इसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो एंड लोग उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करके सिंपली न्यू प्रोजेक्ट करके क्रिएट कर लो एंड आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला वीडियो को मतलब ऐड करके आपको सिंपली वाले इसको आप यहाँ पे ऐड कर लो एंड ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पे ये सब मर जाते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा आपको आगे आना है एंड आगे आके स्प्लिट करके ना एंड इसका पीछे पार्ट में थोड़ा बच गया था इसको आप यहाँ पे डिलीट कर दो एंड डिलीट करने के बाद क्या करना है आपको यहाँ पे इसका थोड़ा आगे आके क्रिएट करना है एंड इसका थोड़ा आगे मतलब जैसे मेरे यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ना यहाँ पे क्रिएट करना एंड इसकी में ऐड करके इसकी तरह से जूम कर लेना एंड इसको जैसे जूम करोगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह यहाँ पे मतलब ये पोस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कर लेना एंड करने बाद यहाँ पे आपका और कुछ नहीं बचता है एंड उसके बाद आपको आ जाना है ऑडियो पे, ठीक है। एंड हेलो इसका जो मैं यहाँ पे साउंड है ना वो भी मैं पैक के अंदर दे दूंगा, आप सिंपल इसको इंपोर्ट कर लेना। हेलो यहाँ पे आपका और कोई काम नहीं बचता, बस आपको यहाँ पे साउंड एड करना है। तो यहाँ पे इसका भी मैं साउंड पैक के अंदर दे दूंगा, सिंपल आप इसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेना। इसके बाद हेलो यहाँ पे आपको जो इफेक्ट देना है एंड यहाँ पे लोग ट्रांजेक्शन पे आपको यहाँ पे व्हाइट फ्लैश वाला ट्रांजेक्शन देना है एंड साथ ही में इसका यहाँ पे जो सेकंड लेते हैं 0.4x कर देना एंड करने बाद आपको फिर से वीडियो के स्टार्ट पे आना है एंड एनिमेशन पे आके आपको यहाँ पे जो एक एनिमेशन दे देना है 13 वाला एनिमेशन देना है एंड आपको वीडियो का जो लास्ट दिन है इस पे आना एंड आगे वाले आपके यहाँ पे फिर से एनिमेशन पे आके आपको यहाँ पे फेड आउट वाला एनिमेशन दे देना। सो इतना काम कर लेना एंड इतना काम करने के बाद साउंड अच्छा से इसका एडजस्ट करना एंड करने के बाद इसके बाद आपको आ जाना है फिर से वीडियो इफेक्ट पे एंड आकर वाले यहाँ पे आपको दो तीन इफेक्ट दे देना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैमरा से एक वाला इफेक्ट दे देना है, तो अगर चाहो तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी दो तीन इफेक्ट लगा सकते हो। सो आपको यहाँ पे लगा लेना, लगाने के बाद यहाँ पे आपका एडिटिंग खत्म होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का एडिटिंग बना है। सो पहले आप लोग भी इस तरह से कर लेना, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे इसका सारा रेसिपी वगैरह फुल करके सिंपली इसको आप एक्सपोर्ट कर लेना। और हाँ लोग जो जो वीडियो यहाँ तक दिख रहा है तो इसको जो यहाँ पे कोड दिख रहा है ना वो कोड जरूर कमेंट में देना, उसके लिए कुछ अगली वीडियो में सरप्राइज है। तो जरूर उस कोड को कमेंट में देना और साथ ही भाई लोग अगर वीडियो बनाने में मेरा हालत खराब हो गया तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर देना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल कॉन्टेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एंड भाई लोग चाहते हो और भी कुछ सीखना तो यहाँ पे मैंने वीडियो देख लिया है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देखो। एंड भाई इसका फाइनल रिजल्ट मेरे मतलब चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो मैंने दे दिया है, तो इसका फाइनल रिजल्ट वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।